हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा छोटा वीडियो है, लेकिन इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। आज के वीडियो पे भाई एक ही ड्राइंग बनाऊंगा, लेकिन चार पिक्चर का यूज करके और अलग अलग पिक्चर्स को अटैच करके आप लोग किस तरीके से खुद का पिक्चर बना सकते हो वो भी सीखने वाले हो। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जल्दी से भाई वीडियो को एक लाइक कर दो। तो इस आउटलाइन को दोस्तों करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ 200 GSM का A3 शीट पेपर। यहाँ पे देख सकते हो, मैं पेपर को अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ मास्किंग टेप की मदद से। और यहाँ पे आउटलाइंस को बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ ब्रू स्ट्रोक ग्राफाइट पेंसिल्स, और यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज करूंगा। आप लोग चाहो तो HB पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं चार पिक्चर का यूज करके इस ड्राइंग को बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो ड्राइंग है वो मैं शिव जी का बना रहा हूँ। साइड पे आप लोग देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे सब पिक्चर का लिंक्स दे रखा है, वहां से जाके आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लो। तो शिव जी के बॉडी पे भाई देख सकते हो बहुत ज़्यादा मसल्स है, तो सेम तरीके से पैर को भी देना होगा यहाँ पे। और पैर पे भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा मसल्स वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और शिव जी के हाथों पे मैं देने वाला हूँ एक त्रिशूल, जो कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही लंबा सा है। फेस को दोस्तों बनाने के लिए मैंने अलग एक पिक्चर का रेफरेंस लिया है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कौन से पिक्चर से मैंने फेस को बनाया है। यहाँ पे दोस्तों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नंदी को, और नंदी को आप सब लोग ही जानते हो, शिव जी का वाहन है नंदी। और यहाँ पे मैं बहुत ही बड़े साइज का दे रहा हूँ। स्क्रीन पे भाई आप लोग देख सकते हो कौन से पिक्चर से मैं रेफरेंस को ले रहा हूँ। संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा दसंतं विद्यारविंद भवं भवानी बाद दोस्तों पीछे बैकग्राउंड को देने के लिए फिर से मैं एक रेफरेंस पिक्चर का यूज कर रहा हूँ। स्क्रीन पे भाई आप लोग ये भी देख सकते हो। इस टेक्निक के यूज करके दोस्तों आप लोग बहुत ही स्मार्ट और प्रो तरीके से ड्राइंग्स को बना सकते हो। और ये भाई आपका खुद का ड्राइंग होगा, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा इस पे। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।